गाइज अगर आप लोग कैडेट पायलट प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हो, आप 1 करोड़ रुपीज अफोर्ड कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी लोन, सो कैडेट पायलट प्रोग्राम से अच्छा बात कोई नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कन्वेंशनल पाथ एंड कैडेट पायलट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वीडियो देखिए, मैंने लिंक यहाँ पे दी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन दोनों में से आपको चूज क्या करना है। सो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके आप सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, उससे आप मेरी कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इफ यू वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन ऑन हाउ टू बिकम पायलट, यू कैन बुक अवर काउंसिलिंग सेशंस। नाउ वी आर टेकिंग डेली काउंसिलिंग सेशंस 10 AM इन द मॉर्निंग। फॉर मोर डिटेल्स माय कॉन्टेक्ट नंबर इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दैट। एंड एज यू नो आई हैव एविएशन अकेडमी जहाँ पे मैं CPL एंड PPL की ग्राउंड क्लासेस लेता हूँ। सो इफ यू वॉन्ट टू क्लियर यूर CPL और PPL एग्जाम्स, यू कैन ज्वाइन अवर जेट सेट फ्लाई एविएशन अकेडमी। अगेन फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माई नंबर इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन और यू कैन DM मी ऑन Instagram। सो गाइज वेलकम टू माई चैनल जेट सेट फ्लाई, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट कैप्टन शोएब शेख एंड आई एम अ कमर्शियल पायलट। कीप योर फीट ऑन स्ट्रीट एंड आईज इन स्काई। Guys, in this video, I'll be talking about advantages and disadvantages of cadet pilot program. And again, at the end of the video, I'll be telling you about which path you should choose and what is my opinion about cadet pilot program and conventional path. So guys, without wasting time, let's get started. स्टार्टिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज, पहले बुरी बातें बता देता हूँ कैडेट पायलट प्रोग्राम की, बिकॉज पहले बुरी बातें सुनने के बाद में अच्छी बात सुनने का थोड़ा सा अलग ही मजा आता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज, तो पहला डिसएडवांटेज ये है मनी रिकवरी पीरियड। गाइज जॉब आपको दोनों के बाद में लगती है, कन्वेंशनल पाथ और कैडेट पायलट प्रोग्राम दोनों, अगर आप कर दोनों से अगर आप CPL करते हो तो आपको एट द एंड आपको जॉब तो मिलती ही, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पैसा आप दोनों में स्पेंड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, वो कितने जल्दी रिकवर होता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। अब मैं आपको ये चीज बिजनेस के हिसाब से समझाता हूँ। आप कोई भी एक बिजनेस ओपन करते हैं, वहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है पहले वो रिकवर हो जाए और फिर जल्दी से जल्दी आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाए। वैसे ही आप कन्वेंशनल पाथ में और कैडेट पायलट प्रोग्राम में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप कन्वेंशनल पाथ से CPL करते हैं, टाइप राइटिंग करते हैं, तो उसका ओवरऑल कॉस्ट आता है 50-60 लाख, अज्यूम कर लेते हैं 50 लाख आता है। एंड कैडेट पायलट प्रोग्राम में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं 1 करोड़। ओके, नाउ आपको दोनों के बाद में जॉब लगती है। ओके, दोनों के बाद में जॉब लगने के बाद में आपकी सैलरी सेम ही रहती है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 1.5-2 लाख। ओके, अज्यूम कर लेते हैं आपकी 2 लाख रुपए सैलरी। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में यू विल बी अर्निंग 12 लाख और 2 साल में 48 लाख। पैसा ही पैसा होगा। तो इससे हो गया आपके कन्वेंशनल पाथ के 2 साल में आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कैडेट पायलट प्रोग्राम में आप जहां पे 1 CR इन्वेस्ट करते हैं तो वो रिकवर होने के लिए आपको 4 साल लग जाते हैं। ओके, मतलब अगर आपने कन्वेंशनल पाथ से CPL किया, टाइप रेटिंग किया और अगर आपको 2 साल जॉब नहीं भी लगी तो भी आप कन्वेंशनल पाथ से जो पायलट ने CPL किया है आप उसके इक्वल ही रहोगे। हाँ, वो अलग बात है गाइस के इसके पास में आवर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और इसके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि गाइस अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से आपको CPL करना है तो आपके पास में ऑप्शंस बहुत कम है। ओनली आई गेस 3 एयरलाइंस ओनली हैव कैडेट पायलट प्रोग्राम, इंडिगो, स्पाइस जेट एंड एयर एशिया। जेट एयरवेज का पहले था बट नाउ वो बंद, जेट एयरवेज बंद होने के बाद में वो कैडेट पायलट प्रोग्राम भी बंद हो गया।
ओके सो आपके पास में ऑप्शंस कम है। अगर आपको कन्वेंशनल पाथ से सीपीएल करना है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है, बिकॉज देर आर 35 फ्लाइंग क्लब्स इन इंडिया, आप किसी से भी सीपीएल कर सकते हो। अब आता है आपका एडवांटेज, इसमें एडवांटेज में आता है आपका स्ट्रेस लेवल। गाइस कैडेट पायलट प्रोग्राम में जॉब कंफर्म होती है, आपको ये पता होता है कि आपको एट द एंड जॉब मिलने ही वाली है, बट कन्वेंशनल पाथ में फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ही आप कन्वेंशनल पाथ से सीपीएल करते करना स्टार्ट करते हो, सो स्टूडेंट पायलट के माइंड में एक ही चीज रहती है कि आपको जॉब ढूंढना होगी, जॉब कैसे मिलेंगी, और अगर ये सब खत्म होने के बाद में जॉब नहीं मिली तो क्या होगा। तो इससे आपका धीरे 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 करके स्ट्रेस बिल्ड होते रहता है, और आपका अगर सीपीएल होता है और सीपीएल होने के बाद में आपको जॉब नहीं मिलती है तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे पायलट्स ऐसे होते हैं कि वो स्ट्रेस लेवल बेयर नहीं कर पाते हैं एंड देन जस्ट दे स्विच ऑफ द करियर, वो गिव अप कर देते हैं और वो अपना करियर ही स्विच कर लेते हैं, अपनी फील्ड ही स्विच कर लेते हैं, दे आर लाइक कि जॉब नहीं मिल रही है सो दे स्विच द करियर। बट कैडेट पायलट प्रोग्राम में आपको पहले से पता होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल आपका बिल्ड ही नहीं होता, बिकॉज आपको पहले से पता है कि एट द एंड ऑफ दिस वी विल बी गेटिंग जॉब। नाउ गाइज अगेन वन मोर थिंग, वन मोर एडवांटेज ऑफ कैडेट पायलट प्रोग्राम इज, आप जो भी एयरलाइन से कैडेट पायलट प्रोग्राम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंडिगो से किया है सो आपकी वहां पे प्रायोरिटी बढ़ी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो के पास में अगर वैकेंसी आती है, इंडिगो को पायलट की जरूरत होती है, तो वो पहले अपने कैडेट्स हायर करते हैं, देन दे गिव प्रेफरेंस टू आउटसाइडर्स, आउटसाइड पायलट्स और अदर पायलट्स यू कैन से। सो वहां पे आपकी प्रायोरिटी बढ़ी हुई होती है जहां से जिस एयरलाइन का आप कैडेट पायलट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो या फिर जिस एयरलाइन का आप कैडेट पायलट प्रोग्राम से सीपीएल करते हो। सो गाइज ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैडेट पायलट प्रोग्राम ओवर कन्वेंशनल पाथ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको दोनों में से चूज क्या करना है। गाइज अगर आप लोग कैडेट पायलट प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हो, आप 1 करोड़ रुपीज अफोर्ड कर सकते हो विदाउट टेकिंग एनी लोन, सो कैडेट पायलट प्रोग्राम से अच्छा पाथ कोई नहीं है। आई सजेस्ट यू कि आप कैडेट पायलट प्रोग्राम चूज करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बट अगर आप कैडेट पायलट प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते हो सो भाई कन्वेंशनल पाथ तो वेल एंड गुड, वो तो आपके लिए है ही अच्छा, इट्स द बेस्ट ऑप्शन। मैंने भी कन्वेंशनल पाथ से किया था बिकॉज मैं कैडेट पायलट प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता था, सो आई चूज कन्वेंशनल पाथ, और इंडिया के 90% पायलट्स कन्वेंशनल पाथ से ही आए। सो गाइज अगर आपके पास में अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है कैडेट पायलट प्रोग्राम, तो आप कन्वेंशनल पाथ चूज कर सकते हो। एट द एंड आपको कन्वेंशनल पाथ से भी जॉब लगती है, बट इतना है कि आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। You will get the job and every pilot gets the job. So guys, I think आपको आपका आंसर मिल गया होगा। Guys, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनका भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए क्या उनको कैडेट पायलट प्रोग्राम चूज करना है या कन्वेंशनल पाथ से ही उनको सीपीएल करना है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।